प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार आज कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चैप्टर वाइज हैं जो बहुपद से लिए गए हैं केवल, और मैंने व्यवस्था की है कि इसमें लिखा द्विघात बहुपद, बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² - x - 4 की शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित भी कीजिए। क्लियर हुआ? तो देखते हैं, द्विघात बहुपद दिया, देखो एफ एक्स बराबर उसने दिया है 3x² - x - 4। तो इसके हमें क्या शून्य ज्ञात करने, सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं इसके लिए। तो इसको 3x² - 4x और प्लस के 3x - 4, बहुत ही उस तरीके से बता रहा हूं जिससे आप सीख चुको और सीख सकोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, 3x, x केवल ले लेते कॉमन, तो 3x - 4 और प्लस का 1 कॉमन लेते हैं, तो क्या 3x - 4। अब शून्य ज्ञात करने के लिए तो हमारे पहले गुणनखंड क्या हो गए बेटा, एक्स 3x - 4 और एक्स +1। शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य है तो क्या करेंगे, तो एफ एक्स बराबर हमारा शून्य, हमें शून्य करना है। तो देखो शून्य करना, 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, तो एक्स बराबर को है 4/3। इसी प्रकार इसमें लेंगे एक्स प्लस के 1 = 0, एक्स बराबर -1। तो शून्य के आपके कितने हुए, शून्य आपके बने हैं एक्स बराबर -1, 4/3। अब इनकी हम जांच करेंगे शून्य है या नहीं है। तो शून्य के लिए जांच करेंगे, शून्य को अब लिखोगे जांच, क्या करोगे जांच, शून्य को का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो देखो यहां पर शून्यकों का योग एक शून्य है, तो माइनस के 1 + 4/3 और माइनस x का गुणांक कितना है, माइनस x का गुणांक यानी x² का गुणांक मैं बता रहा हूं 3 है, x का गुणांक जो है -1 है और अचर पद कितना है -4। क्लियर? तो देखो माइनस एन 3 × 1 = 3, इसमें एक्स गुणांक पहले भरो आप, माइनस एक्स गुणांक कितना है माइनस के 1 और x² का 3, तो यहां 3 × 1 = 3 प्लस के 4/3, तो माइनस माइनस 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 = 1/3। ये तो योगफल में संबंध हो गया है। इसी प्रकार हम अगला इसमें लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, बराबर अचर पद अपान x² का गुणांक। तो देखो बेटा शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो एक आपका माइनस के 1 × 4, अचर पद कितना है, अचर पद है माइनस के 4 और x² गुणांक -1 कट गया, तो 4 × 1 = 4। हाँ, शून्यकों का गुणनफल, अच्छा -4 है यहाँ पर, 1 - 1 और -4, तो 4 × 1 = 4 = 4। हमारी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, इससे हमारा सवाल कैसा लगा आपके लिए बताइए भाई। अब है दूसरा सवाल, देखो यहां पर एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों का 7 लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो हमें क्या बनाना, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात
बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है? एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, यहां हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा एक्स माइनस माइनस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा गामा, जे आपका द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। ठीक, अब उसने दिया क्या है? दिया आपका है बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यकों का योगफल। इसे बोलते हैं शून्यकों का योग। तो कितना है, इन्हें जोड़ो आप, दो माइनस सात और माइनस के चौदह, कितना है इसमें? तो इक्कीस, इक्कीस में तो दो गए, माइनस के उन्नीस आया। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के अल्फा गामा, तो क्या होगा? यहां आप लिखेंगे दो दो शून्यकों का योगफल, यहां लिखेंगे दो दो शून्यकों का योग, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई, बराबर लगाओ इसमें। तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान हमारा दो है, बीटा का मान माइनस सात, फिर बीटा का मान माइनस सात और माइनस के चौदह प्लस दो गुणा माइनस चौदह, जे बनेगा जाके। तो इसमें आप करोगे माइनस के साथ दूनी चौदह और चौसते अट्ठानवे और चौदह दो अट्ठाईस, तो हुआ है अट्ठानवे तो प्लस के आठ चार बारह, दो एक तीन, तीन एक चार, तो इसमें आठ में दो गए छः, नौ में चार गए पाँच। ठीक है, अब इसमें हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या लिखोगे? शून्यकों का गुणन फल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैं दो गुणा माइनस सात गुणा माइनस चौदह, तो हो जाएगा सात दूनी चौदह, माइनस के चौदह और माइनस के चौदह, तो चौदह चौक छप्पन, चौदह दूनी छप्पन हासिल लागे पांच और चौदह एकम चौदह, चौदह पांच उन्नीस, एक सौ छियानवे। अब बना दो इसी से, देखो अतः त्रघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आया? माइनस के उन्नीस एक्स, एक्स क्यों एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का इनका दोनों दो दो शून्यकों का योगफल क्या है? वो आया छप्पन, कितना आया? छप्पन एक्स, और माइनस के अल्फा इंटू बीटा गामा का मान एक सौ छियानवे। तो हमारा समीकरण बन, हमारा बहुपद बन गया, क्या बन गया बहुपद? एक्स क्यू माइनस उन्नीस एक्स स्क्वायर प्लस के छप्पन एक्स माइनस एक सौ छियानवे, जे हमारा सवाल बना भाई। क्लियर, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। दिया है बहुपद एक्स क्यू माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के वन, और इसमें शून्य क्या दिए? शून्य का आपके हैं a माइनस बी कामा ए ए प्लस बी, और ए बी के मान ज्ञात करना, a कामा बी बराबर ज्ञात करना। क्लियर, तो इसमें क्या कहानी है? अल्फा बराबर दिया है, अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a, और गामा बराबर आपका कितना दिया है? ए प्लस बी। तो देखो भाई, अब हमको, हम जानते हैं
हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। समझ पाए बेटा? तो अल्फा का मान दिया है ए माइनस बी, बीटा का मान ए, और अल्फा प्लस बीटा तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया एक्स क्यू का, एक्स क्यू का गुणांक एक कामा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है माइनस तीन, गुणा करने वाला अंक, गुणा करने वाला अंक इसमें कितना एक, एक्स का गुणांक कितना दिया है माइनस एक, अचर पद दिया बेटा है एक। समझ भाई? तो इसमें माइनस चिन्ह लगाओ, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है माइनस तीन बटे ए, तो इसमें बी से बी ए प्लस बी होगा, बी से बी कट गया, बीटा का मान लगा गई तो बी से बी कैंसिल हो गया, ए के कितना हुआ थ्री ए बराबर तीन, तो तीन से तीन कट गया, ए बराबर एक आपका आ गया, एक तो मिल गया। अब क्या करें, मूलों का गुणनफल लगा दे, यानी शून्यकों का गुणनफल, ये तो शून्यकों का योगफल था, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक हो गया। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो गुणनफल इसमें ए माइनस बी, अल्फा का मान अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू क्या हो जाएगा ए, इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर अचर पद कितना दिया एक, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का गुणांक एक, ठीक। तो इसमें इसका योगांतर रूप बन जाता है ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक, और ए का मान कितना आया एक, तो वन वन माइनस बी स्क्वायर बराबर वन, तो क्या हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर देखते हैं तो बी स्क्वायर माइनस वन बराबर वन, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन प्लस के वन, तो यहां बी स्क्वायर बराबर जाएगा टू, और बी बराबर एन प्लस माइनस रूट दो, तो बी जो बी का मान आएगा वो प्लस माइनस रूट दो आएगा। बोलो कैसा रहा? तो अगला सवाल है हमारा शून्य ज्ञात कीजिए। तो चौथा क्वेश्चन है चार एक्स स्क्वायर पांच रूट टू टू एक्स माइनस तीन। तो क्वेश्चन चौथा है जी, इसे देखिए। तो हम इसके लिए फैक्टर करेंगे, सबसे पहले चार एक्स स्क्वायर प्लस के पांच रूट दो एक्स माइनस तीन, तो चातिया बारह, तो सबसे पहले चार गुणा तीन बराबर बारह, तो बारह को छह गुणा दो बराबर बारह। अब बारह क्या करेंगे, तभी बारह हुआ छह रूट दो, और रूट दो कितना हुआ, तब भी बारह हुआ छह रूट दो माइनस रूट दो कितना हुआ पांच रूट दो। भाई हमें इसको चाहिए, तो चार एक्स स्क्वायर प्लस के छह रूट दो एक्स माइनस के रूट दो एक्स माइनस तीन। तो इसमें हम क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं टू रूट टू इंटू रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस के छह रूट टू एक्स और माइनस के रूट टू एक्स माइनस थ्री, तो पेयर बन गया। इसमें क्या करेंगे, टू रूट टू एक्स कॉमन ले लेंगे, तो रूट टू एक्स प्लस के तीन बचेगा, इसमें माइनस एक कॉमन लें तो रूट टू एक्स माइनस तीन। अब इसमें हमारा बन गया है तो रूट टू एक्स प्लस थ्री आएगा, और टू रूट टू एक्स माइनस वन। अब शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए हम करेंगे जब बहुपद के शून्य कहें, जब बहुपद
जब बहुपद के, जब बहुपद के शून्यक हैं, इसे पीएक्स बराबर मानते हैं, पीएक्स बराबर, तो पीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, शून्य, तो टू रूट टू एक्स प्लस थ्री बराबर शून्य, तो टू रूट टू एक्स बराबर माइनस थ्री, एक्स बराबर माइनस थ्री बटे टू रूट टू। इसी प्रकार टू रूट टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो, टू रूट टू एक्स बराबर जिधर जाएगा किसमें हो जाएगा वन, तो एक्स बराबर एक बटे टू रूट टू। अब देखो संबंध भी, तो संबंध अब ज्ञात करते हैं शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणांक देखो, शून्यकों का योगफल कितना है, तो पहला शून्य क्या गया है माइनस के तीन रूट टू, प्लस के दूसरा शून्य एक बटे टू रूट टू, तो इसमें माइनस के तीन कितना लिए टू रूट टू, इसका टू रूट नहीं थ्री था, ना 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 ना, इसमें केवल रूट टू एक्स बराबर था, तो केवल रूट टू आएगा, तो इसका हो जाएगा रूट टू। तो इसमें क्या करेंगे हम, दो की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तब बनेगा जाके, और इसमें माइनस एक्स गुणांक कितना आए, माइनस के पांच रूट टू बटे चार, तो देखो तीन दूनी छः, प्लस के वन बटे टू रूट टू, और बराबर माइनस के पांच रूट टू बटे चार, तो माइनस के पांच बटे टू रूट टू बराबर माइनस के पांच रूट टू बटे चार। रूट टू के ऊपर नीचे क्या करवा दो गुणा, तभी क्या हो जाएगा माइनस के पांच रूट टू बटे चार, और माइनस के पांच रूट टू बटे चार। ये हमारी संबंधों की जांच हो गई। अब इसी पर हम लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन फल क्या होता है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स अल्फा इंटू अल्फा के मान कितना है, माइनस के तीन बटे रूट टू, बीटा का मान कितना एक बटे टू रूट टू, अचर पद कितना है माइनस तीन, तो माइनस तीन, एक्स स्क्वायर गुणांक चार, तो देखो माइनस के तीन रूट टू चार हो जाएगा, माइनस तीन बटे चार। देखो हम बताते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है चार, एक्स का गुणांक कितना दिया है ये भी दिया पांच रूट टू, अचर पद कितना दिया है, अचर पद दिया है माइनस तीन, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक, गुणा करने वाला अंक, इसमें एक्स का गुणांक, एक्स में गुणा करने वाला अंक। तो ये सवाल आपका क्लियर हुआ है, दूसरा आप खुद एच डब्ल्यू में करेंगे, स्वयं करेंगे आप, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अगला सवाल, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, कितने बच्चों को मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणन फल। तो पहला सवाल दिया उसने, दिया है शून्यकों का योग फल, तो दे दिया शून्यकों का योग बराबर उसने दिया है माइनस के टू रूट थ्री, और शून्यकों का गुणन फल कितना दिया, गुणन माइनस के नौ। अब रख दो इसमें, द्विघात बहुपद क्या होगा, बहुपद, बहुपद तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसमें डाल दो माइनस दो रूट तीन एक्स प्लस माइनस के नौ,
तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस के 2√3x माइनस के 9, ये आपका सवाल बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। इसी प्रकार दूसरा करोगे, दूसरा भी करोगे, शून्यकों का योगफल दिया है माइनस के, इसी डब्बे में डाल दो जे वाला मान, माइनस के 2/2√5, 2√5 यानी 3 है सॉरी, माइनस के 3/2√5, जल्दबाजी ना करो, एक्स माइनस 1/2 बस बन गया, ऐसे छोड़ सकते हो आप। इसी प्रकार तीसरा देख सकते हो जल्दबाजी में, एक्स स्क्वायर पहला शून्य के योगफल कितना दिया 4, एक्स गुणनफल कितना दिया प्लस के 5, तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5, चौथा देखो, तो इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के √2 × x प्लस के 1 माइनस √2, ये भी आपका बन गया है, ये 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा आज के कैसा सेशन रहा है, और जो मैंने बहुपद का दिया, इसके बाद हम चैप्टर में पहुंचेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में, बहुत अच्छे से समझाएंगे, ये भी कोशिश की है, प्रयास करूंगा, और आपकी सफलता हमारी सफलता, ये 100% है कि अगर हमारे सब वीडियो देख लिए धीरे धीरे तो आपको सफलता मिलना सुनिश्चित है। इसके लिए जय हिंद जय भारत।